व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। और आज है वीकेंड, आज है सैटरडे, तो आज हम करेंगे स्मॉल मशीन जो स्टार्ट मैंने की है बैग से। और बैग में आज कर रहा हूँ उस पर लिवरपूल लॉन्ग मशीन में, इस पर कर रहा हूँ। और एक सेट मैंने वार्म अप कर लिया और एक सेट वार्म अप और करूँगा, ऑलमोस्ट तीन वर्किंग सेट करूँगा उसके लिए। फिर गर्मी काफ़ी है आज भी, बहुत ज़्यादा वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा एक वर्कआउट एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, एक वर्कआउट मैं चेस्ट का करूँगा, कोई भी इंक्लाइन मूवमेंट अपर चेस्ट के लिए। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फोर आर्म्स, जैसे कि मैं चेस्ट के साथ कार्ब्स ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो अभी मैंने कार्ब्स नहीं कर लिए, अभी जस्ट मैंने एब्स का वर्कआउट कर लिया। थोड़ा सा हैवी जाने की भी कोशिश करूँगा मैं आज। और इस पूरे वीक में यार मैं बीफ नहीं ले सका क्योंकि मेरा बीफ ख़त्म हुआ है, तो अब मैं संडे वाले दिन इंशाल्लाह बीफ को रीस्टॉक करूँगा, तो नेक्स्ट वीक में हम बीफ भी स्टार्ट कर लेंगे दोबारा से। अभी मैं वीक में जस्ट एक दफ़ा ले रहा हूँ क्योंकि डेफिसिट चल रहा है। वैसे मैं दो से तीन दफ़ा लेता हूँ बीफ नॉर्मल डेज में, लेकिन बीफ के बिना भी कल हमारा लेग्स का वर्कआउट काफ़ी अच्छा लग गया था मेरा ख्याल है, और आज भी मुझे वो फील हो रहा है लेग्स का वर्कआउट। अच्छा यार, ज़्यादा वार्म अप करने की वजह ये है कि मौसम तो गर्म है, बॉडी का टेम्परेचर तो ऑलरेडी गर्म ही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा मसल भी अच्छी तरह स्ट्रेच हो जाए, तो फिर हम हैवी लिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो अभी एक और मैं ये ज़रा लाइट वेट ही है इसके साथ वार्म अप कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं वेट ऐड करूँगा और फिर हम वर्किंग सेट स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस पर हम जब इस पोजीशन में आएंगे तो हम अपने बैक को आर्च कर लेंगे लाइक दिस। आर्च करने से ये होगा कि हमारे लैग्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं लाइक दिस। एक स्क्वीज़ अच्छा मिलेगा यहाँ पे और दूसरा यहाँ पर स्ट्रेच अच्छी मिलेगी। और अगर यही मैं ये करूँगा तो ये चीज़ उतनी अच्छी स्ट्रेच और कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी, तो ये मूवमेंट रखेंगे। अच्छा यार, ये मैं आपको एक और तरह से समझा देता हूँ। जब हम वेट को लेके ये पोजीशन लेंगे तो यहाँ से हमने चेस्ट को अप कर देना है, ये है पोजीशन, ये चेस्ट अप कर देंगे। ओके यार, बैक कंप्लीट हो गई है हमारी, तीन वर्किंग सेट मैंने उसके किए और हमारे लैट्स बड़े अच्छी तरह से पंप हो गए। और बैक के लिए बस इतना ही, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपर चेस्ट और आज मैं करूँगा इंक्लाइन डंबल्स। तो यार एक मूवमेंट करनी होती है तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कंपाउंड मूवमेंट ही करूँ उस पर, इसलिए कभी मैं डंबल्स कर लेता हूँ और कभी मैं बेंच प्रेस कर लेता हूँ। 20 kg का डंबल है, एक सेट करेंगे वार्म अप का, तीन सेट जो है हम वर्किंग करेंगे इसके। ओ मैन, डंबल्स मैंने लेग्स पर रखे तो मुझे पता लगा, मुझे याद आया मैंने कल लेग्स की थी। ओके यार, डंबल इंक्लाइन करते वक्त आज मैंने एक चीज़ की है कि जब हम डंबल को नीचे लेके जाएंगे, एक तो स्लो मोमेंटम के साथ लेके जाएंगे और दूसरा जितना डीप स्ट्रेच हो सकती है उतना डीप करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मसल स्ट्रेच से ही बनता है, तो कोशिश करेंगे जब यहाँ पे आए तो थोड़ा सा डीप स्ट्रेच करके उसको पूरा स्क्वीज करें। अच्छा, अब हम चलते हैं फोर आर्म पे। फोर आर्म स्टार्ट में उसी एक्सरसाइज से करूँगा जिससे हमेशा करता हूँ, रिस्ट कर्ल मशीन। तो पहले उसे स्टार्ट में करने का मकसद यही है कि बस मसल और जॉइंट्स में वो अच्छे से वार्म अप हो जाए, उसके बाद मैं अक्सर चेंज कर लेता हूँ एक्सरसाइज, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज जो होती है। तो यार आज मैं यूजुअल नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा जो है वेट आज इस पर पुल कर रहा हूँ, तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। और आज थोड़ी सी मैंने जो ग्रिप पकड़ी हुई है वो भी थोड़ी सी वाइड है ज़्यादा, पहले मैं ज़रा क्लोज ग्रिप रखता हूँ, आज मैंने थोड़ी वाइड ग्रिप रखी, अब देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करूँगा क्योंकि जॉइंट्स का भी ज़रा ख्याल रखना है, क्योंकि ये जॉइंट जो है इसमें इन्वॉल्व होता है तो इसका बड़ा ख्याल रखना होता है। बहुत क्रेजी हैवी नहीं जाऊँगा लेकिन नॉर्मल रूटीन से ज़रा हैवी पे जाऊँगा आज। ओके, जो मैं नेक्स्ट मूवमेंट करने जा रहा हूँ ये है बिहाइंड द बैक कह लें या बिहाइंड द लेग्स कह लें, इसको बार्बल रिस्ट कर। तो आज इस पर भी मैं थोड़ा हैवी करूँगा, 24 kg से स्टार्ट करूँगा और 28 kg तक जाएंगे इसमें। यार इस पर हमने कोशिश करनी है कि रॉड जो है बर्बल जो है हमारी फिंगर्स तक है, ठीक है, फिंगर्स को हम उसको ऊपर इस तरह लेके जाएंगे, पूरा लूज़ करेंगे फिंगर तक और वहाँ से हम कर्ल करेंगे ऊपर इसको वापस, तो इससे हमारी फिंगर्स का भी
ये प्रॉपर एक मूवमेंट हो जाएगी, इससे डिप की भी तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी। लाइक ये मेरे फिंगर से हो गया, यहाँ से ये इसको फिंगर्स के अंदर हमें रोके भी रखना है, और उसके अलावा इसको हमें एक अच्छे से पूरा स्क्वीज भी देना है, तो रेंज ऑफ मोशन हमारा बढ़ जाएगा इस, और बड़े अच्छे से पंप हो गई है फोरआर्म में। अभी दो एक्सरसाइज हुई हैं और एक एक्सरसाइज और करेंगे हम फोरआर्म की, और उसके बाद हम एब स्टार्ट करेंगे। ओके, और लास्ट एक्सरसाइज मैं करूँगा रिवर्स कर्ल इजी बार पे, 16 kg पे लूँगा पहले। ओके यार, ये मैं कर रहा हूँ अपर पार्ट के लिए, जो कि हमारे ब्रैकियल इस मसल के साथ अटैच होता है बाइसेप के, तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है फोरआर्म की, और अब मैं करूँगा इसके बाद एब्स। पहला सेट मैंने लाइट किया था, अब ज़रा मैं हैवी करूँगा सेकंड सेट। ओके यार, एज यूजुअल स्टार्ट करूंगा मैं 20 से। सो जैसे जैसे एब्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं मेरा स्टेमिना सेट हो रहा है, अब मैं 40-50 आराम से एब्स परफॉर्म कर लेता हूँ। ओके यार, अब सेकेंड एक्सरसाइज मैं करूँगा हैंगिंग लेग रेज। अब हम नी रेज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे हर सेट में लेग रेज ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लेग रेज मैंने लास्ट टाइम भी परफॉर्म किए थे तो बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिला था, और पूरा कोर जितना भी है अपर एप से लेकर लोअर एप तक सब पे बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आया था। ओके यार, ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये काफ़ी दिन से मैं करने का सोच रहा था, तो आज मेरे माइंड में फिर से आ गई, तो आज इसको कर लेते हैं। नॉर्मली जब मैं लास्ट टाइम प्लान कर रहा था तो मेरा तकरीबन 1 मिनट का स्टेमिना हो गया था, और आज मेरा मोबाइल उधर रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है। वैसे मेरी वॉच में भी टाइमर आया, इस पर सेट कर लेंगे हम, कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना भी स्टे हो सका। अच्छा, पहले मैं इसको ईजी पोजिशन आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे से भी ईजी पोजिशन लगेगी अभी। ये हमारी एल्बोज की पोजिशन होगी, ठीक है, ये हमारा पूरा कोर इस तरह हो जाएगा, और जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इस तरह स्टार्ट करेंगे कि पहले हम टाइमर सेट कर देंगे, और ये स्टार्ट हो गया। ओके, 40 seconds। क्या 1 मिनट का हो गया प्लैंक फर्स्ट सेट में, सेकंड में और थर्ड में मैं मज़ीद कोशिश करूँगा टाइम बढ़ाने की, और इसमें थ्रू आउट द सेट जो है हमने अपने एप्स को स्क्वीज करके रखना है, एप्स को पूरे कोर को। तो अभी बेसिकली ये इजी वाला वर्जन था, इसको हम चाहें तो हार्ड पोजीशन में भी इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये कोर के लिए, एप्स के लिए, ओब्लिक्स के लिए, ऑलमोस्ट सारे कोर के लिए जो है ना ये बड़ी। ओके, अभी लाइट ऑफ हो गई थी, लाइट आ गई है वापस, टाइम काफ़ी हो गया है, तो अब मैं इसके 2 सेट और करूँगा और वर्कआउट को वाइंड अप करेंगे और घर चलेंगे। ओके, ये मैं करने लगा हूँ हार्ड वर्जन। पहले हमारे हैंड की पोजिशन यहाँ पे थी, अब हम इनको यहाँ पे कर देंगे थोड़ा ऊपर, ठीक है, ऑलमोस्ट शोल्डर के बराबर आ जाएंगे। ओके गाइस, वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो गया है, और यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। कल हमारा रेस्ट डे है, और इस चैलेंज का ये लास्ट रेस्ट डे होगा, और पहले मेरे माइंड में था कि शायद आज हमारा लास्ट डे होगा, अभी हमारे 2 दिन और रहते हैं, मंडे और ट्यूसडे। ट्यूसडे विल बी द लास्ट डे ऑफ आर 30 डेज चैलेंज। ट्यूसडे तक मैं वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाता रहूँगा, और उसके बाद मैं कुछ दिनों का रेस्ट लूँगा,
और फिर आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँगा। और गाइस उसके अलावा ये जो डेफिसिट है, इस डेफिसिट को मैं कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करूँगा जब तक कि हमारा रिजल्ट हमें जो चाहिए वो ना मिल जाए। मिलते हैं आपसे मंडे वाले दिन, और मंडे को इंशाल्लाह करेंगे चेस्ट, और चेस्ट के साथ में भी एक स्मॉल मसल ग्रुप भी हम ट्रेन करें। सी यू गाइस ऑन मंडे। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।